हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी ब्यास नदी ने काफ़ी कहर बरपाया है। पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो ब्यास नदी में आया और उसके बाद ब्यास नदी ओवरफ्लो होकर जो रिहायशी इलाके हैं कांगड़ा का, इंदौरा, टांडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ब्यास नदी का पानी आ गया। आप देखिए कितने तेज़ बहाव के साथ ये पानी आया। ये आगे जो रोड है ये करीब 100 आगे गांव हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसको कनेक्ट करता है, लेकिन इस वक्त ये जो रोड का हिस्सा है वो भी इस पानी के तेज़ बहाव में बह चुका है। सामने आपको एक NDRF की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देगी जो फंस चुकी है क्योंकि आगे आने का रास्ता नहीं है। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम वहाँ पर आई थी लेकिन उनकी गाड़ी यहाँ पर फंस गई है। जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसी बाढ़ उन्होंने कभी नहीं देखी। आप मुझे अपना नाम बताएं। धर्मपाल नाम है सर मेरा। धर्मपाल जी, क्या स्थिति है आगे गाँवों में, कितना पानी है? आगे गाँव में तो सर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा युवा है, गाँव डूबे हुए हैं सभी, मांड क्षेत्र के, दोरा के, और इधर टांडा पत्तन जो है, टांडा बाई, काठगढ़ वगैरह फसलें तक्ष नष्ट हो गई हैं। ये पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो यहाँ पे आ गया? हाँ जी, पोंग डैम से पानी छोड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पानी है सर। तो अब यहाँ आगे जाने का ये जो रास्ता है, जो सड़क है, ये बह चुकी है? ये सब बह चुकी है, इधर भी बह चुकी है, आगे यूनिवर्सिटी के पास भी बह चुकी है, उधर ऐसी तेज भाव से पानी आ रहा है। हाँ जी, इससे भी ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है सर। यहाँ जो लोग फंसे थे उनको कैसे निकाला गया? वो अपने NDRF की टीम आई थी, उन्होंने निकाला। हेलीकॉप्टर से भी निकाला गया? हेलीकॉप्टर तो अपने यूनिवर्सिटी से निकाला था एक गेड़ा, बस उसके बाद में निकाला। तो अभी कुछ लोग फंसे तो नहीं है? अभी कोई नहीं है इधर सर, पार में मंड पार्क अपने पार मंड के क्षेत्र में फंसे हुए हैं अभी, तो वो अपने अपने जगह जो है सेफ हैं अभी। तो जो लोग फंसे थे उनको NDRF ने निकाल लिया है, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया था, उसने भी काफ़ी लोगों को निकाला। आप देखिए आगे के जो गांव है, इंदौरा, मंड और टांडा का जो एरिया है वहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 100 के आसपास गांव हैं जो कि इसी बाढ़ के पानी से अफेक्टेड हुए हैं। ये पोंग डैम से छोड़ा गया पानी है जो ब्यास नदी में आया और उसके बाद ब्यास नदी ने अपना दायरा फैला लिया, रास्ता बदल लिया और उसके बाद आप देखिए रास्ते में सड़क, घर, जो कुछ आया सब कुछ इस वक्त इस पानी की चपेट में है और काफ़ी मुश्किल भरे हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के कई इलाकों में बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश इस वक्त भारी आपदा का सामना कर रहा है, लोग परेशान हैं, कैसे खतरा मोल लेकर अपनी दिनचर्या चला रहे हैं उसकी एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के इंदौरा में मैं मौजूद हूं। ये लोग जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त जहां खड़े हैं ये सड़क होती थी लेकिन सड़क बह चुकी है, अब इनको अपने गाँवों में आगे अपना सामान, अपने ज़रूरी काम करने के लिए ऐसे ही खतरनाक ये जो पानी का बहाव देख रहे हैं इससे होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे खेत होते थे लेकिन ये जो पानी है ये पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो ओवरफ्लो कर रहा है। ब्यास नदी में पानी पहले ही आया और वहाँ से ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और यहाँ रिहायशी इलाके में ये पानी तेज़ बहाव से आ रहा है। पीछे एक यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कुछ बच्चे फंस गए थे उनको भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालना पड़ा। आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ ऐसे ही जाएंगे पानी में से? हाँ जी जी, गांव जा रहे हैं सर, हम 5 दिन बाद गांव जा रहे हैं। 5 दिन बाद अपने गांव जा रहे हैं घर देखने? हाँ जी सर। तो घर पे जो जरूरी सामान है और बाकी सब वो फंसे हुए हैं, सब सारा सामान वहीं पर है? गर्म है ये सर सारा सामान। तो आप जरूरी काम काज के लिए ऐसे ही पैदल आ रहे हैं? हाँ जी सर। परिवार का, बच्चों का क्या हाल है? सर बच्चे तो ऐसे बेकार ही है, घर से बाहर ही है सर। बाहर निकाल दिया, उनको भेज दिया कहीं? हाँ जी हाँ जी, रिश्तेदारों में सर। तो आप यही खतरनाक पानी का बहाव पार करके जाएंगे अब? हाँ जी सर, पॉइंट रोड टप के जाना पड़ता है सर। तो ये जो पानी है इसी को पार करके ये लोग जाएंगे। आप देखिए कैसी खतरनाक स्थिति है यहाँ पे और लोग इसी तरह से मजबूर हैं, मुसीबत में हैं और लगातार जो हालात बने हुए हैं उसका सामना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो जीवन यापन है, उनकी जो दिनचर्या है वो चलती रहे। कांगड़ा जिले के इंदौरा से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।